हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आज का पेपर देखकर। देखिए, जितनी बातें कही गई थी, अब खोजिए उनको जाकर जिन्होंने कहा था कि अगर पेपर में नहीं आएगा तो ये कर देना, वो कर देना। खैर, ये तो मजाक की बातें हैं। ये जो मेरे पास पेपर है, जहाँ पे मैं था वहाँ का ये पेपर है 316AA। तो सबसे पहले सेक्शन है रीडिंग, जिसमें मैंने कहा था कि आप अगर टाइम देते हो तो सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको आंसर मिलेगा। आपको बैठ के सोचना होगा कि क्या आपको पैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपकी रीडिंग कितनी अच्छी है ये इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट पेज है, इस पे सेक्शन बी आइए, पैसेज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है, और राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल के लिए मैं आपको पहले भी बोल चुका था, बेटा अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। सर, कोई बहुत आर्टिकल बताया होगा तब भी इन तीन आर्टिकल्स के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने भी किसी यूट्यूब चैनल ने नहीं सोचा होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आर्टिकल्स के लिए परेशान मत होइए, आप अपनी क्षमता खुद बनाइए आर्टिकल लिखने की। हालांकि ये जो हेरिटेज साइट है, इस पे एक आर्टिकल अगर आप देखेंगे मेरी आर्टिकल वाले में, तो एक अलग तरीके से वो आर्टिकल है जो मैंने कराया था, और वो भी आर्टिकल पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया है। तीसरा है राइट अ लेटर टू द एडिटर, ये एक कॉमन टॉपिक था, लास्ट ईयर आया था डीएम को लिखने के लिए, इस बार एडिटर को। और जो मैंने दो लेटर कराए थे उसमें एक यही था और यही आ गया था। बाकी ये जो लेटर और करके लिखा गया है, ये थोड़ा आपको परेशान करेगा, और ये भी किसी ने फिर गेस नहीं किया होगा। चाहे कोई कितना भी कह दे ये लेटर पढ़ लो वो लेटर पढ़ लो, मैं पहले ही कह रहा था कि बेटा लेटर और आर्टिकल राइटिंग के लिए परेशान मत हो, अनसीन पैसेज के लिए परेशान मत हो, ट्रांसलेशन के लिए परेशान मत हो। जो चीजें हैं काम की सिर्फ मैं वही कराऊंगा। अब सर, ये देखिए कि ये लेटर जो लिखा गया है ना, ये बताया गया है कि जो एक बिल्डिंग है लोगों को थ्रेट कर रही है, मतलब लोगों के लिए एक थ्रेट का काम कर रही है, कभी भी गिर सकती है, उस डिलेपिडेटेड स्ट्रक्चर्स को गिराना है, उस बिल्डिंग को डिमोलिश करना है, उसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को एक कंप्लेन लेटर लिखना है। अब आ जाते हैं सेक्शन सी, जिसके लिए हमने बात की थी। पहला, एवर्जन टू मैरिज। तो अगर आप ध्यान दें तो मोनोगेमी, पॉलीगेमी और बाइगेमी मैंने बताया था, और मैंने कहा था कि अगर आप तीन ऑप्शन आ रहा हो तो भी चौथा ऑप्शन लगा लोगे। पुल अ फास्ट वन, एक नया आइडियम जो कि आप नहीं जानते होंगे, टू डिसीव, एस्टोनिशमेंट, फिर इसके बाद से एक एरर का क्वेश्चन, अराइवल, फिर इधर आप अगर सेक्शन में देखोगे तो आपके पास डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, एक क्वेश्चन मैच कर गया, ये भी एक सेट की बात है। फिर से आपके पास जो सेक्शन है, ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से परेशान करने वाले और कुछ क्वेश्चन आसान हो गए। ट्रांसलेशन में भी वही हाल है। और सेक्शन डी जो लिटरेचर का है, अगर इसको आप ध्यान दें तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपने मुझसे सेक्शन डी कवर किया होगा लिटरेचर का, तो आप जरा भी परेशान हुए होंगे। और ये फाइनल क्वेश्चन है सेक्शन डी के। तो ये जो पेपर था, है ना, आप देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। 316AA, मैंने दो चैप्टर आपसे कहा था छोड़ने के लिए, और आप देखिए वो दो चैप्टर आप आराम से स्किप करके आओगे। और मिलते हैं 7 बजे की क्लास में, और फिर बात करते हैं कि कैसा रहा आपका पेपर। आइएगा ज़रूर, ठीक है।